सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी, और एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पुंबा पुणे, राइट। जब भी हम बात महाराष्ट्र की करते हैं एंड टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करते हैं, आई थिंक पुंबा इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हाट एवरी स्टूडेंट कीप इन देयर लिस्ट, बिकॉज पहली चीज है गवर्नमेंट कॉलेज है और प्रेफरेंस उसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। सेकेंड चीज है कि एक बहुत बड़ा चंक है जहां बच्चों का बजट थोड़ा सा कम होता है और उनके पास ऑप्शंस जो है वो कम हो जाते हैं, तो उनकी लिस्ट में भी ये कॉलेज काफी होता है। एंड ऑल इन ऑल यू नो कट ऑफ भी जो है वो कॉलेज का काफी ज्यादा है, तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो टुडे आई हैव निर्मल चौधरी विद मी, हु इज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पुंबा पुणे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू निर्मल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। Hello everyone, my name is Nirmal Chaudhary. I did my graduation from MIT Pune. Post that I gave CET and scored 99.49 percentile and got into Pumba. Now I'm in second year of my MBA. ओके, तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है, आई मीन विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉलेज बट विच इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहोगे कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट दे विल बी एबल टू मेक इट इन टू देयर ड्रीम कॉलेजेस? या श्योर, सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लो। सारे चीज़ों का सिलेबस अवेलेबल है कोई भी, मतलब या तो सीईटी किंग रेफर कर लो या कहीं पे भी चले जाओ, आपको सिलेबस मिल जाएगा। वो सिमिलर ही होता है, वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब जब से सीईटी का मतलब शुरू हुआ है तब से। तो आप बेसिकली वो सिलेबस पहले गो थ्रू कर लो, सारे बेसिक्स ठीक से अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चे सीधा शॉर्टकट्स वगैरह की तरफ जाते हैं। मतलब वो सीईटी अब सीईटी स्पीड बेस्ड एग्जाम है, और जो दूसरे एग्जाम होते हैं कैट सैट वगैरह, वो बेसिकली डेथ चेक करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पे टाइम मतलब आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए तो यू विल बी एबल टू मेक इट। लेकिन सीटी में ऐसा नहीं होता है, सीटी में आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड भी चाहिए होता है। आपको विद इन वन मिनट एक क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करना ही होता है, अगर मान लो कि आपको टॉप फोर या फाइव कॉलेजेस कुछ टारगेट करने हो तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स इन सब चीजों के पीछे भागते हैं। तो बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स ढूंढने में या फिर वो शॉर्टकट्स अप्लाई करने में अपना बिता देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप पहले बेसिक्स ठीक कर लो, और फॉर्मूलेस वगैरह ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स फॉर्मूले से भी काम चल जाता है। ऐसा जैसा कोई नहीं कि ये फॉर्मूला पता नहीं था, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूले भी हो सकते हैं अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो तो। और बाद में होता है कि एक अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ, जो भी हो, नेट पे आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजी मिल जाएंगे, ये करो वो करो, ये सब मतलब सबके लिए वर्क नहीं करता है, कोई स्ट्रेटेजी किसी के लिए वर्क करता है किसी के लिए नहीं करता है। तो आप बेसिकली ये स्ट्रेटेजी टेस्ट करते रहो, तो बहुत सारे मॉक्स दो, मैंने मेरे प्रिपरेशन में दिए मतलब बहुत सारे मॉक्स दिए थे, और मल्टीपल सोर्सेस से मॉक्स दो कि सीईटी किंग ले लिया, ईएलसी ले लिया, टेस्ट फंडा ले लिया, बहुत सारे मॉक्स दो, तो जिससे कि आप वो स्ट्रेटेजी भी टेस्ट कर सकते हो और बेसिकली आपका मतलब वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप बेसिकली देख सकते हो कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग और कितना मतलब चांसेस है या फिर कितना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है और किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत चीज है जिनकी तरफ स्टूडेंट्स ने ध्यान देना चाहिए, मतलब हो जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत लगता है, ऐसा भी नहीं है कि आप वन मंथ में कर सकते हो। बहुत सारी स्टोरीज होती है कि एक वन मंथ में हो गया, टू मंथ में हो गया, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, किसी का हो जाता है, किसी को एक साल भी लगता है तभी नहीं हो पाता। तो हाँ वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखो, ठीक है। So that was about the preparation, that how you can prepare up yourself for the examination. Now coming back to college, right? Ki, I mean, you mentioned that you have scored 99 plus percentile in CET, and through that आपने CAP counseling के लिए apply किया, right? There is just simple process, आपने registration किया, choice filling किया, and then you got the result that you get into this college. चलो, thank you so much Nirmal for your time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for having me. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.